उत्तर प्रदेश के चर्चित राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल पर जिस तरह से प्रयागराज में हमला हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। बदमाश आते हैं, गोली और बम से हमला करते हैं और उमेश पाल को मौत के घाट उतार देते हैं। इस हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस की नींदें उड़ जाती हैं। पुलिस लगातार हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश में जुट जाती है। सोमवार की दोपहर क्राइम ब्रांच को हत्या में शामिल एक आरोपी की सूचना मिली जिसका नाम अरबाज है और वो नीवा क्षेत्र में छिपा हुआ है। जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम पास के नेहरू पार्क पहुंची वहां पर अरबाज के साथ मुठभेड़ हो गई जिसमें वो ढेर हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक अरबाज ने सबसे पहले गोली चलाई जिसमें एक सिपाही घायल हो गया और जवाबी फायरिंग में अरबाज के सीने और पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल अरबाज को स्वरूप रानी नेहरू एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी मौत हो गई। उस घटना में सम्मिलित अरबाज पुत्र अफा जो कि मल्लापुर थानापुरा मुफ्ती प्रयागराज का रहने वाला है पहले घायल हुआ तथा इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। इस पे आरोप है कि घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसका यह ड्राइवर था तथा उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। जब उपचार हेतु अस्पताल लाया गया उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए हैं। उमेश पाल पर हमला करने के बाद अरबाज का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में आया था। पुलिस द्वारा पता लगाने पर मालूम पड़ा कि पूरा मुक्ति के सल्लापुर निवासी अरबाज नाम का साथी अपराधी कार चला रहा था। इस दौरान उमेश पाल पर होने वाली गोलीबारी में उसने भी हमला किया था। इस बदमाश की भी तलाश पुलिस को थी। पुलिस की माने तो जिस बदमाश को एनकाउंटर में मारा गया है वह बाहुबली अतीक अहमद का काफी करीबी है। उसका पिता भी अतीक अहमद की गाड़ी चलाता था। इसके अलावा पुलिस को अभी भी बाकी बचे बदमाशों की तलाश है। ये कहानी करीब 17 साल पहले शुरू हो गई थी। राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह उमेश पाल था जिसे उस दौरान अतीक अहमद ने अगवा कराकर अपने पक्ष में गवाही दिलवाई थी। लेकिन कुछ सालों बाद उमेश पाल ने अतीक अहमद के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करवा दिया था जिसकी तारीख 24 फरवरी को पड़ी थी। कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने के बाद उमेश पाल अपने लोगों के साथ घर वापस आ रहा था। गाड़ी से उतरते ही बदमाशों ने उमेश पाल पर गोलियों और बम से हमला कर दिया। इस हमले में उमेश पाल समेत एक गनर संदीप निषाद की मौत हो गई जबकि दूसरे गनर राघवेंद्र सिंह की हालत गंभीर बनी हुई। इस हत्याकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मच गई। पुलिस भी सतर्क हो गई। अतीक अहमद का प्रयागराज में काफी बड़ा रुतबा था लेकिन राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हरा कर इस रुतबे को चकनाचूर कर दिया था। इसके बाद राजू पाल ने पूजा नाम की एक लड़की से शादी की लेकिन जीत का जश्न और शादी की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। साल 2005 में कुछ बदमाशों ने राजू पाल को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत 3 लोगों पर लगा। इस कांड में ही उमेश पाल अहम गवाह था जिसकी मौत 24 फरवरी को की गई थी।